Good morning, all of you. So, first lectures we are talking about the medieval periods. First one is ancient period, the second one is of the medieval period, and the third one is modern periods. Or humne dekha tha many names of India. Or so today we are talking about the medieval sources. The medieval sources is derived from the archaeological and literary sources. जो medieval sources है, जो medieval period है, उसे दो भागों में बांटा गया है. तो पहला है archaeological sources और दूसरा है literary sources. जो source है, उससे हमें उसका जो medieval period है, उसके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी हिस्ट्री के बारे में प्राप्त होती है. तो आज हम देखने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. सो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड टेंपल्स ऑफ पैलेस फोर्ट्स मॉस्कोस टॉम्स कॉइंस टूल्स वेपन्स. जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसमें जो टेंपल है यानी कि जो मंदिर है, जो राजाओं के जो महल थे या जो फोर्ट थे यानी कि जो किला था, और जो कॉइंस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉइंस जो सिक्के थे, और जो टूल्स यानी कि जो साधन थे, और वेपन यानी कि जो हथियार थे, उसकी खास बात की गई है. जैसे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, या लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, या अलग अलग प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जो मंदिर थे उसका निर्माण किसने करवाया था, वो सारी जो जानकारी है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स में प्राप्त होती है. और जो इम्पोर्टेंट है, दे गिव्स अस एन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री. दूसरा है पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री. तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि उसकी उस समय का रूलर कैसा था, उस समय का राज्य कैसा था, उसकी सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, और उसकी जो इकोनॉमी वो इकोनॉमी किस प्रकार की थी, वो हमें वो मंदिर से या मस्जिद से, उसके किले से, उसके वेपन से, उसके टूल से, उसके फोर्ट से, उसके कॉइन से हमें पता चलती थी. और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पेंटिंग. पेंटिंग तो जो उसके जो मीडियवल पीरियड था, वो मीडियवल पीरियड में पेंटिंग का ज्यादातर महत्व था. जैसे कि बाबर, जो बाबर था उसको बहुत ही पेंटिंग का बहुत ही शौक था, और वो पेंटिंग बना के अपने जो दरबार में था वो दरबार में लगाता था, जिससे पता चलता था कि उस समय के ड्रेसेस कैसे थे, या उसकी ज्वेलरी कैसी थी, या उस समय का जो राज्य वो कैसा था वो हमें पता चलता था. और बाद में जो कॉइंस, वो भी कॉइंस आर वेरी इंपोर्टेंट इन द मीडियवल पीरियड. जो कॉइंस थे जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सिक्के, उस समय के दो प्रकार के जो सिक्के थे वो बहुत ही खास प्रचलित हुए थे. जैसे कि पहला है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर, जैसे कि सोने के जो सिक्के थे वो खास करके जो मीडियवल पीरियड था उसमें बहुत ही प्रचलित थे. और दूसरा है सिल्वर. कॉइंस में भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का. उसमें खास तरीके से जो गोल्ड के सिक्के थे वो बहुत प्रचलित हुए थे. और उससे क्या पता चलता था, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेट्स. और जो सिक्के जो भी किंग थे वो जब उसे छपाते थे तब उसके ऊपर
लगा देते कि जैसे हमें पता चले कि उस राजा की और उस राज्य की समृद्धि कैसी थी, वो सब हमें सिक्के के बारे में से जानकारी मिलती थी। सो थैंक यू वेरी मच, वी मीट नेक्स्ट लेक्चर।